11 महीने हो चुके हैं अपने को YouTube पर, और 11 महीने की मेहनत के बाद ये आ चुका है, जी हाँ, गोल्ड प्ले बटन, क्योंकि अपने हो गए हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो अपनी जो फूड इनकार्नेट फैमिली है YouTube पर अब 10 लाख लोगों की हो चुकी है। और इवन दो ये जो गोल्ड प्ले बटन है ये आए हुए आज कोई 40 दिन हो चुके हैं, तो पिछले 40 दिन से इतना बिजी था कि ये बटन आया हुआ था रूम में, एक साइड पे रखा हुआ था, मेरे को इसे ओपन करने का अनबॉक्स करने का टाइम ही नहीं मिला है। बट उसका मतलब ये नहीं कि मेरे को इसका कहने की खुशी नहीं है, केवल मैं जान सकता हूँ कितनी मेरे को खुशी है। लास्ट टाइम इन दिनों मतलब मेरे को आइडिया भी नहीं था मैं यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ, अब से कोई 1-1.5 महीने बाद मैंने रैंडमली ऐसे ही स्टार्ट किया था, फिर आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि एक साल भी नहीं हुआ, एक साल के अंदर गोल्ड प्ले भी आ गया है, तो दिस इज सच अ बिग थिंग फॉर मी। तो पहले से अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि गोल्ड प्ले बटन आखिर होता कैसा है। पता नहीं कब से ये देखने की इच्छा थी मेरी, और सच बता रहा हूँ ऑनेस्टली, जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था मेरे को सपनों में भी आइडिया नहीं था कि एक साल के अंदर मेरे 100K भी हो जाएंगे, मतलब सिल्वर प्ले बटन भी आ जाएगा। मेरा टारगेट तो ये था कि एक साल के अंदर 10,000 सब्सक्राइबर करने हैं, उसके बाद आई विल सी कि कंटिन्यू करना है नहीं करना है। बट 10,000 मांगे थे, 10 लाख मिले हैं, तो भगवान का भी बहुत सारा थैंक यू, घर वालों को भी ऑफकोर्स बहुत बहुत सारा थैंक यू है कि इतना मतलब अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं मेरे को, जो मेरे दिल में आता है मुझे करने देते हैं, कभी रोकते टोकते नहीं है। और आप लोगों को तो गाइस थैंक यू है ही, आप लोगों ने ही तो 1 मिलियन कराए हैं। तो अब इसे बाहर निकालते हैं एंड देन विल सी। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था मैं गोल्ड प्ले बटन अनबॉक्स करूंगा, वो भी इतने कम टाइम में। दिस इज लाइक ड्रीम कम ट्रू। इससे एक चीज और पता चलती है, अगर आप मेहनत करो तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, कहीं से कहीं तक भी। ये जो गोल्ड प्ले बटन आया, मेहनत बहुत ज्यादा करी है इसके लिए मैंने पिछला एक साल, मेरे को ये पता नहीं चला पिछले 10-11 महीने गए किधर है। मतलब लास्ट ईयर याद है मेरे को, मैं खाली पड़ा हुआ था, टाइम पास कर रहा था ऐसे, और अब मतलब गोल्ड प्ले बटन आ जाता है, 40 दिन हो जाते हैं इसे अनबॉक्स करने का टाइम नहीं मिलता है, अब लाइफ ऐसी हो गई है। बट नेवरदलेस इट इज सो मच फन। तो आइए देखिए इसके अंदर क्या है, आप लोगों ने दिलाया है तो पहले आप लोगों का ही देखना बनता है। तो काफी बड़ा डब्बा है, उसके अंदर ये एक अप्रिसिएशन लेटर है जो कि YouTube के CEO ने सेंड किया है, सुजन ने। इसके अलावा वी हैव दिस कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गाइस दिस इज आवर गोल्ड प्ले बटन, लुक एट दिस। मतलब थोड़ा सा प्राउड फील हो रहा है अब तो। अब से अगर मैं 2 साल पहले जाऊं, मैं लोगों को ये मतलब यूट्यूब पर 100K भी देखता था तो इंटिमिडेट हो जाता था कि मतलब 100K सब्सक्राइबर है, कैसे कर लिए, कितनी मेहनत की होगी। आज 10 लाख हो गए अपने खुद के, तो दिस इज स्टिल अनबिलीवेबल। मतलब जब तक ये डब्बे के अंदर रखा हुआ था तब तक एक अलग फीलिंग थी, मतलब बट जब ये बाहर निकला है उसके बाद मतलब मैं क्या ही बताऊं, वर्ड्स में मैं ये फीलिंग एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा कैसा मेरे को लग रहा है इसे बाहर निकालने के बाद। सच में मतलब मैं कैसे बोलूं, 11 महीने बहुत कम टाइम होता है, और ये तो इनफैक्ट 10 महीने में आ गया था, 11 महीने में तो अनबॉक्स हुआ है, तो 10 महीने बहुत छोटा टाइम होता है। और 10 महीने के अंदर गोल्ड प्ले बटन, 1 मिलियन सब्सक्राइबर करना मेरे सपनों से भी आगे की चीज़ें हैं। मतलब मेरी इमेजिनेशन में भी नहीं था कि मैं गोल्ड प्ले बटन ले पाऊंगा, सिल्वर प्ले बटन इमेजिनेशन में तो था कि हाँ 2-2.5 साल में आ जाएगा। बट मेहनत की है बहुत ज़्यादा, बेहद मेहनत की है, और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, तब कहीं जाके ये जो गोल्ड प्ले बटन है ये आया है। और अगर मैं किसी एक बंदे को इसे डेडिकेट करना चाहूँ, किसी एक पर्सन को, तो किसी एक को तो देखे मैं डेडिकेट नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे लोगों का इसके पीछे सपोर्ट है। और थोड़ा सा चलो मैं अपना मतलब वीडियो मेकिंग प्रोसेस भी आपसे आज हल्का सा शेयर करूंगा। तो यूजुअली जो यूट्यूबर्स होते हैं, जितने यूट्यूबर्स को आप जानते हैं आपके फेवरेट होंगे, सबकी एक प्रॉपर टीम होती है। मतलब एक बंदा वीडियो बनाता है, एक बंदा एडिट करता है, एक फेस होता है, प्लान करने वाले लोग होते हैं। ये जो अपनी है, अपनी टीम ओनली वन मैन है, मैं ही वीडियो बनाता हूँ, मैं ही एडिट करता हूँ, मैं ही प्लान करता हूँ, तो लगभग सब कुछ खुद किया है। हाँ इसमें कुछ लोगों ने बहुत हेल्प की है, तो सबसे पहली जो हेल्प आएगी वो आएगी अनिकेत लुथरा, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया था बट मेरे को पता नहीं था कि मैं किस तरह की वीडियो बनाऊँ, कैसी वीडियो बनाऊँ। एक्सप्लोर में कर रहा हूँ फूड 2014 से इंस्टा पर पेज है अपना, और उधर इंडिया के सबसे बड़े पेजेस में से एक है। यूट्यूब पर मेरा आने का प्लान था ही नहीं, जब मैं यूट्यूब पर आ भी गया तब मेरे को पता नहीं था कि वीडियो बनाऊँ क्या, वीडियो में दिखाऊँ क्या।
और मतलब जो वीडियोस मैं बना रहा था, अगर आप मेरी इनिशियल शुरुआत की वीडियोस देखेंगे जो अब डालता हूँ उससे बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट थी। कुछ और सोच के मैंने वीडियोस बनानी शुरू की थी, जैसे ही अब बनाता हूँ ऐसे बनाने का प्लान नहीं था ये। तो फिर मैंने अनिकेत ने साथ में ट्रैवल करना शुरू किया, और जब साथ में ट्रैवल करना शुरू किया धीरे 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 एक फॉर्मेट सा बन गया, एक पैटर्न सा बन गया, और अब तो एफर्टलेसली होता है। मतलब कैमरा ऑन करो, सामने खाना बन रहा है और अपने आप हो जाता है। तो अनिकेत का इसमें डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है। जितनी भी जगह मैंने पिछले 7-8 महीने में एक्सप्लोर किए हैं, 7-8 महीने के पिछले 10 महीने फैब से लेके अभी तक कोई 12 या 13 स्टेट्स कवर किए हैं, वो सभी अनिकेत के साथ किए हैं। तो डेफिनेटली अनिकेत का बहुत बड़ा रोल है ये दिलाने में। दूसरा रोल जो मैं देना चाहूँगा वो आपको, ऑफकोर्स मैं मेरे भाई को देना चाहूँगा। और मतलब मेरे भाई का क्या रोल रहता है, मैं बहुत कम बातें करता हूँ मेरे भाई से। घर पे मैं लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, घर पे मैं बहुत कम बातें करता हूँ क्योंकि बाहर रहता हूँ, घर पे जाना मेरा कमी होता है। बट घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और मैं कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाता हूँ घर की, बहुत कम। मतलब जब कुछ बड़ी सिचुएशन हो जाए तब जाके मैं घर जाता हूँ या कुछ हैंडल करना हो, अदरवाइज घर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सारी मेरा भाई कर रहा होता है। तभी कहीं जाके मेरे को इतना टाइम मिलता है कि मैं ट्रैवल कर सकूँ, एक्सप्लोर कर सकूँ, आपके लिए वो चीज़ें निकाल कर ला सकूँ ढूंढ के, जो कि चीज़ें आपने पहले ना देखी हों, ऐसी खाने की चीज़ें जो कभी नेट पर भी ना हो पहले। तो इतना टाइम मेरे को मिल पाता है, तो उसमें मेरे भाई का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि वो मुझे बिल्कुल जिम्मेदारियों से फ्री रखता है। जब तक कुछ बहुत बड़ी बात ना हो जाए मेरे को घर की बिल्कुल टेंशन नहीं होती है। फिर तीसरा रोल मैं बिल्कुल मेरे मम्मी पापा को भी और मेरी बहनों को देना चाहूँगा। तो मम्मी पापा का ये है, देखो मुझे पूरी लाइफ, केवल अब नहीं हमेशा से, जो मैंने करना चाहा है हमेशा मैंने वो किया है। उन्होंने मुझे फुल फ्रीडम दी है, कभी मेरे को रोका टोका नहीं है कुछ करने से, जो मेरे दिल में आता रहा है वो किया है मैंने हमेशा। अब भी मतलब फुल सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ में मेरा, मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, हमेशा सपोर्ट रहता है। फिर मेरी बहनों ने मुझे मतलब बहुत सपोर्ट किया है, तो पूरी फैमिली का बहुत सारा मतलब इसमें क्रेडिट जाता है। पीछे से इतना मतलब सपोर्ट रहता है फैमिली का, तभी आदमी फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। उसके अलावा एक और पर्सन जिसको मतलब इसका क्रेडिट जाता है वो है निशा राजपूत, दिल्ली फूड ट्रस्ट। अब मैं अकेला बंदा हूँ जो सारी चीज़ें हैंडल कर रहा होता है, एडिटिंग, वीडियो मेकिंग और अपलोड करना सब कुछ, कैप्शन लिखना, हर जगहों पे जाना, ट्रैवल करना। तो बहुत सारे बैकएंड के काम होते हैं जो मतलब मिस हो जाते हैं, तो मेरे बहुत सारे बैकएंड के काम निशा करती है। उसके अलावा कई बार मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट भी फील कर लेता हूँ वीडियो बनाते हुए, क्योंकि किसी किसी वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है। आप मतलब कोई 6 मिनट की वीडियो है, उस 6 मिनट की वीडियो को बनाने में, आने जाने में, एडिट करने में मतलब 2-2.5 दिन लग जाते हैं 6 मिनट की वीडियो निकालने में। और फिर किसी किसी वीडियो पर होता है रिस्पॉन्स नहीं आता जैसा हम सोचते हैं कि हाँ भाई हमें लगा था ये वीडियो को तो बहुत लोग अप्रिशिएट करेंगे और बहुत अच्छी वीडियो चलेगी, और वीडियो पर बहुत कम व्यूज़ आ जाती हैं, लोगों को वो वीडियो नहीं पसंद आती है, तो थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग फील होता है। तो ऐसे टाइम में मोटिवेट कर देती है मेरे को। बाकी आप लोगों का तो थैंक यू इसमें है ही, आप लोगों के बिना तो ये तो छोड़िए सिल्वर वाला भी नहीं आना था। तो मैं बहुत ही मतलब मेरे पास गोल्ड प्ले बटन आया, एक बार आप थोड़ा पास से भी देख लो, मेरे को बहुत मतलब एक खुशी हो रही है। तो मतलब YouTube के गोल्ड प्ले बटन पर मेरा नाम लिखा हुआ है। खैर मैं कैसे अपनी खुशी आप लोगों को बताऊं, खुशी का आप छोड़िए, हाँ ये ज़रूर है कि मेरे को खुशी के साथ साथ ये मिलने से और बहुत हम्बल्ड भी मैं फील कर रहा हूँ। और मुझे लगता है मेरी और रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि अगर आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि 10 महीने के अंदर मेरे पास गोल्ड प्ले बटन आ जाए, तो ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को इतना अच्छा कंटेंट दूं कि आप लोगों ने जो मुझे सब्सक्राइब किया है मैं उसके वर्दी रहूं। तो आगे जो आने वाला टाइम है उसमें और ज़्यादा मेहनत करूंगा, और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊंगा, और चीज़ें एक्सप्लोर करूंगा, ऐसी ही चीज़ें ढूंढ के लाऊंगा खाने की जैसी आपने कभी नहीं देखी होंगी, कहीं नहीं देखी होंगी। और बाकी तो आप जानते ही, नो मैटर वे यू आर आई विल फाइंड यू एंड आई विल डेफिनेटली मेक यू हंग्री। तो गाइज धन्यवाद बहुत सारा मुझे गोल्ड प्ले बटन दिलाने के लिए, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। अभी तक मैंने मतलब घर पे कहीं सिल्वर प्ले बटन भी लगाया है, जब वो आया था आके वो रखा हुआ है, तो मैं वेट था मेरा कि तब मुझे दिख गया था कि आप लोग मुझे गोल्ड प्ले बटन जल्दी दिलाओगे। तो मैंने सोचा था जब गोल्ड प्ले बटन आ जाएगा तब गोल्ड और सिल्वर दोनों लगाऊंगा गोल्ड पर। तो अब दिस विल गो होम, और जहाँ पर इसे होना चाहिए ये वहाँ पर जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को देखते रहिए ऐसे ही, आपको बहुत मजा आता रहेगा यहाँ जैसा अभी तक आया है। अब मैं क्या ही बोलूँ, बातें खत्म हो चुकी हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।